हेलो एवरीवन मार्केट जैसा सफ़ेद मलाईदार पेड़ा घर पे कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे बनाया जा सकता है तो आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मार्केट जैसा मलाई पेड़ा घर पर पे किस तरह से बनाते हैं तो अंत तक बने रही मेरे साथ में और फटाफट बनाते हैं ये रेसिपी तो वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तीज फूड फ्रेंड्स पेढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बंद गैस पर एक कढ़ाई रखी है गैस बंद है उसमें मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में आधा कप दूध और आधा कप चीनी अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे घोलना नहीं है पूरा सिर्फ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब आगे हम इसमें ऐड कर रहे हैं दो ग्राम जितना मिल्क पाउडर जो अगर कप से गिनेंगे तो दो कप जितना है मतलब आधा कप दूध आधा कप शक्कर और दो कप मिल्क पाउडर ये वजन से दो सौ ग्राम है इसे हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे सारा एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है ये फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम तृप्तिज फूड बिल आइकॉन भी दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं दो चम्मच जितना घी यहाँ पे देसी घी डालना है प्योर घी यहाँ पे डालना है मिक्स कर लेते हैं डाल के अच्छे से इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे यहाँ पर अब तक गैस की फ्लेम बंद थी तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन करके बिल्कुल लो पे की है ये पूरा हमें लो पे पकाना है अब इसे कंटीन्यूसली चलाना है बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं पड़ता है इसे कंटीन्यूसली चलाते रहेंगे जो शक्कर हमने डाली है वो मेल्ट हो जाएगी तो ये थोड़ा सा रनी होगा तो मैंने और आधा चम्मच जितना घी यहाँ पे डाला है इसे हम कंटीन्यूसली चलाते रहेंगे बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है तो नहीं तो ये जल जाएगा तो ये थोड़ा सा पहले रनिंग हो चुका था अब फिर से हाँ ये गाढ़ा होते जा रहा है तो इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा इसको दस मिनट आपको पकाना है और मैंने आधा चम्मच जितना घी यहाँ पे डाला है दस मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए चम्मच से अब ये कढ़ाई को छोड़ रहा है मिश्रण तो यहाँ पे जो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और कढ़ाई गर्म है तो थोड़ी देर और, और इसे इसी तरह से चलाती रहूँगी और अब हम क्या करेंगे ये मिश्रण को जो है ना कढ़ाई में फैला देंगे इस तरह से कढ़ाई में पूरा मिश्रण फैला के हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे इस पर ढक्कन नहीं रखना है और इसे अब हम कंप्लीट ठंडा होने देंगे कंप्लीट ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गाढ़ा बन के आएगा इसको लगभग दस आधा घंटे तक मैंने कंप्लीट ठंडा होने दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका जो अब टेक्चर जो निकल के आया है ना वो पेढ़े का टेक्चर निकल के आया है बिल्कुल ये अब पेढ़ा बनाने के लिए मिश्रण जो है बिल्कुल तैयार है बिल्कुल भी चिपचिप नहीं हो रहा है तो एक सरफेस पे मैंने क्या किया थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा लिया अब ये मिश्रण को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अच्छा गाढ़ा मिश्रण हमारा बन तैयार है यहाँ पर तो सारे मिश्रण को हम इस पर निकाल के ले रहे हैं सरफेस पर अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिस तरह से हम आटा गूंदते हुए मैश करते हैं उसी तरह से इसे बहुत ही अच्छे से हम एक मिनट तक मैश कर लेंगे अब ये पेड़ा बनाने के लिए तैयार है हाथ में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं तो यहाँ पे आप अपने मन मनपसंद साइज़ के मनपसंद आकार के यहाँ पे पेड़े आप बना सकते हैं तो बहुत ही ईजीली ये पेड़े जो है घर पे बन के तैयार हो जाते हैं और मार्केट से बहुत सस्ते और बहुत टेस्टी बन जाते हैं तो अभी जो त्यौहार आ रहे हैं तो उसके लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाले पेड़े ये मलाई पेड़े बहुत ही खाने में टेस्टी लगते तो यहाँ पे इलायची का पाउडर लिया है मैंने थोड़ा सा अब ये पेड़े पर पे हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डालते जाएंगे ताकि पेड़े का जो टेस्ट है और भी बढ़िया बन जाए तो इसी तरह से सारे पेड़ों पर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर डाल के ले रही हूँ तो ये आज के सिंपल से पेड़े की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़रूर जरूर, जरूर ट्राई करिए आपको पेड़े पसंद आए कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइए तो हेल्दी खाना खाते रहिए तो इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक गुड बाय फ्रेंड्स टेक केयर